हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूमास कमांड के बारे में। यूमास कमांड जो होता है वो यूनिक्स की डिफॉल्ट डायरेक्टरी और जो फाइल परमिशन होती है जब हम उसे क्रिएट करते हैं, फॉर द यूजर, फॉर द ग्रुप एंड फॉर द ओनर, उसे चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। तो यूमास की सबसे पहले तो डिफॉल्ट परमिशन आखिर होती क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली यूमास टाइप करना है। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाई देगा 0022, जो फर्स्ट जीरो है वो ऑमिट कर दीजिए, लास्ट थ्री डिजिट ही आप कंसीडर कीजिए 022। 022 एक डिफॉल्ट परमिशन है फॉर द एनी क्रिएटेड फाइल एंड डायरेक्टरी। अब वो 022 का मतलब क्या होता है, अगर आप फाइल बना रहे हैं तो 666 थ्री टाइम्स सिक्स को में से 022 सब्ट्रैक्ट कीजिए, बराबर। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, अगर आपने 666 में से 022 को डिडक्ट किया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 644। वाइल एक्सप्लेनिंग द CH मोड कमांड, मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल नोटेशन में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें रीड के लिए 4 है, राइट के लिए 2 है और एग्जीक्यूट के लिए 1 है। तो जो आपका रिजल्ट आया है, जैसे कि अभी रिजल्ट आएगा 644, तो जो 6 है फर्स्ट 6 वो होगा फॉर द यूजर, 4 फॉर द ग्रुप एंड द लास्ट थर्ड डिजिट 4 अगेन वो होगा आपका अदर्स के लिए। जो 6 आया 4+2, रीड का 4, राइट का 2, तो यूजर्स को रीड और राइट दोनों की परमिशन मिलेगी। सेकंड डिजिट जो 4 यूजर ग्रुप के लिए है वो ओनली फॉर द रीड परमिशन, और लास्ट में अगेन जो 4 है वो भी होगा ओनली फॉर द रीड परमिशन। अब आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तो 666 की जगह आपको कंसीडर करना होगा 777-022, और उसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो होगा 755। 755 का फर्स्ट डिजिट जो 7 है वो फॉर द यूजर, सेकंड डिजिट 5 वो फॉर द यूजर्स ग्रुप एंड थर्ड डिजिट 5 वो होगा फिर से फॉर द अदर्स। सेम वे 4+2+1=7, तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट 7 है 4+2+1 मतलब कि रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑन द डायरेक्टरी फॉर द ओनर। सेकंड डिजिट जो 5 आया 4+1 रीड परमिशन प्लस एग्जीक्यूट परमिशन, एंड जो लास्ट 5 आया वो भी सेम रीड परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन। देख लेते हैं आखिर कैसे वर्कआउट होता है ये। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ mkdir टेस्ट dir ऐसी हम डायरेक्टरी बनाते हैं, ls-l हमारी डायरेक्टरी यहां पे है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 7 जो फर्स्ट आया रीड राइट और एग्जीक्यूट, रीड 4 राइट 2 एग्जीक्यूट 1, इसका टोटल होगा 7। यहां पे जो सेकंड 5 आया रीड 4 राइट की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट 1 4+1=5। आखिर में जो 5 आया फॉर द अदर्स 4+1 अगेन 5। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट परमिशन एग्जीक्यूट होती है। फाइल के भी देख लेते हैं, फाइल का मैंने क्या कहा 666 में से आपको माइनस करने का होगा 022, और उसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो होगा 644। तो यहाँ पे एक सिंपल विद हेल्प ऑफ टच कमांड हम ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हैं, टेस्ट फाइल, फिर से ls-l करके देख लेते हैं। जो हमने टेस्ट फाइल जो क्रिएट की वो ये वाली है, तो 644 हमारा ये जो हुआ है, तो फर्स्ट 6 4+2 रीड और राइट परमिशन 6 एग्जीक्यूट की नहीं है, सेकंड डिजिट 4 तो यहाँ पे ओनली फॉर द रीड परमिशन, लास्ट डिजिट 4 तो फिर से फॉर द अदर्स रीड परमिशन। अब ये अगर आपको डिफॉल्ट परमिशन जो कुछ भी है वो चेंज करनी है, मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूमास्क 044, मैंने एंटर दिया। अब फिर से देखते हैं विद हेल्प ऑफ टच कमांड, टेस्ट फाइल 2 यहां पे क्रिएट की मैंने, सॉरी कमांड में मेरी गलती हो गई है,
फिर से ls माइनस l टेस्ट फाइल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परमिशन चेंज हो गई है। अब कैसी ये परमिशन चेंज हो गई है, मैंने फाइल क्रिएट की है तो मैं डिटेक्ट करूँगा 666 में से 044, और उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, 622। अब 622 क्या है, रीड और राइट फॉर द ओनर, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, मतलब कि 4 प्लस 2 6, जिस सेकंड डिजिट 2 आया मतलब कि राइट का 2, लास्ट में जो 2 आया वो भी राइट का 2। ये डिफॉल्ट परमिशन हमारी चेंज हो गई है। अब मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ विद हेल्प ऑफ mkdir टेस्ट dir 2 ls माइनस l 777 में से माइनस करेंगे हम 044, उसका जो रिजल्ट आया है वो है 733, 733। हमारी डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट की है वो ये वाली है, 7 फर्स्ट डिजिट रीड, 4 प्लस 2 राइट, +1 एग्जीक्यूट, 3 का रीड का 4 है तो वो बट ऑब्वियस काउंटेड नहीं है, राइट का 2 एग्जीक्यूट का 1 मतलब के 3, अगेन फॉर द अदर्स जो लास्ट थर्ड डिजिट है 3 ये वाला, तो उसका भी राइट प्लस एग्जीक्यूट। ये डिफॉल्ट परमिशन हो गई है, जितने भी बार आप फाइल्स को क्रिएट करेंगे उसमें यही परमिशन एलोकेट होगी। फिर से अगर हमें पुरानी परमिशन चाहिए जैसे थी वैसे ही, तो यहाँ पे आपको सिंपली फिर से ये लिखना है यू मास्क 022, तो हमारी ये डिफॉल्ट परमिशन फिर से हो गई है। यहाँ पे फिर से यू मास्क करके एंटर दीजिए तो हमको आपकी डिफॉल्ट परमिशन फिर से आपको दिखाई दी जाएगी। यदि चेंजिंग द डिफॉल्ट परमिशन ऑफ द डायरेक्टरीज एंड एनी फाइल फॉर द यूजर अदर्स एंड फॉर द यूजर्स ग्रुप। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।